आप सभी का स्वागत है। देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। मैंने आपको बताया 122 घंटे का और इंतजार है। 122 घंटे बाद जो बार बार कहा जा रहा है कि कलयुग में त्रेता युग की शुरुआत होने जा रही है, और यकीन मानिए पूरी अयोध्या में पूरा भारत है इस समय। पूरे देश, पूरे भारत को सनातन के सूत्र में, सनातन के एक सूत्र में पिरोने वाला ये प्रभु राम का मंदिर। और आज दिन भर अयोध्या में कैसे राम के रंग रहे ना, ये तस्वीरें देखिए। आज आप अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह की तैयारियां चल रही हैं। पूरा देश राम नाम की धुन में सराबोर है, और अयोध्या में तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह की बहुत ही खास तैयारियां हो रही हैं। चाहे वो अयोध्या में चारों तरफ बन रही रंगोली ही, या फिर प्रसाद में बनने वाले लड्डू। 13.5 लाख लड्डू देसी घी में, राम काज बीनु मोहि कहां विश्राम। अयोध्या में अलग अलग तरह के लोग हैं जो किसी तरह भी राम काज में लगे हुए। ऐसी एक जगह पर हमें भाई आप ले लीजिए, यहाँ पर लड्डू तैयार हो रहा है। और उस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाखों लड्डू यहाँ पर अयोध्या के लिए, यहाँ पर भक्तों के लिए तैयार हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ 45 टन लड्डू यहाँ पर तैयार हो रहा है। और ये 7 जनवरी से, पांडे जी 7 जनवरी से, जी 7 जनवरी से, और 22 जनवरी को बताया जा रहा है कि ये लड्डू अयोध्या वासियों के बीच बटेंगे। देखिए यहाँ जय श्री राम लिखा हुआ है, और ये प्रतिकृति जो आप देख रहे हैं शिवलिंग की है, ओम नमः शिवाय। और आपको ये बताएं कि 1111 मन एक मन में 40 किलो और एक किलो में 30 लड्डू, तो इस तरह से लगभग 13.5 लाख लड्डू। 13.5 लाख लड्डू जी, 45 टन, 1111 मन। हाँ जी, तो ये इतने लड्डू यहाँ तैयार हो रहे हैं। ये सोचा था ये क्षण होगा आपके जीवन काल में, आप ये देख पाएंगे, ये सेवा आप कर पाएंगे? कभी सोचा था हो पाएगा ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन जाएगा? इस तरह से भविष्यवाणियां की गई, लेकिन कभी सोचा जीवन काल में क्षण देख पाएंगे? देखिए ये तो अनेक पीढ़ियों की चिर संचित अभिलाषा का प्रकटीकरण है, और हम लोग एक स्वर्णिम अध्याय के, स्वर्णिम क्षण के साक्षी बन रहे हैं आज, कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम इस क्षण में रह करके और इस भव्यता को, इस उत्सव को, इस आनंद के सहभागी बन सके। न्यूज 18 की एक नहीं बल्कि कई टीम अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों की अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचा रही हैं। और इसी दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे राम भक्त से हुई जो मौलाना भी हैं और चतुर्वेदी भी। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा। राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने के सफरनामे को कवर करते करते हमें एक ऐसे राम भक्त मिले जो बजरंग बली के रूप में हाथों में गदा लिए खास तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए नेपाल से अयोध्या आए हैं। जय श्री राम, जय जय सीताराम। अयोध्या नगरी दम पावन धरती है, इसलिए हम लोग बानर भालू आकर के से यहाँ पर प्रभु राम को इंतजार में है। राम लल्ला के दर्शन के लिए पूरे देश से राम भक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं, और 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए 4 नौजवान असम से अयोध्या तक साइकिल से आए हैं। जी, असम में तो एक दिन में 190 किलोमीटर भी चलाया है। जब असम से बाहर निकले तभी कभी 80, 100, 120 ऐसे मिला के चला के अयोध्या पहुंचे। तो यूपी में आके जय श्री राम, यूपी में आके जय श्री राम। देखिए ये साइकिल पे इन्होंने लिखा है 4 स्टेट ट्रेवलर वे टू इनकरेज अदर्स, लोगों को और ज्यादा लोगों को आप उत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग भी आए हैं। जी, हम जैसा साइकिल लेके आ सकते हैं, आप लोग भी चाहे तो, मन हो तो, अगर भक्ति है आप भी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और छत्तीसगढ़ के कोरबा से 4 राम भक्त पैदल चलकर राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं।
अयोध्या तक पहुंचने के लिए ये रोज 35 से 55 किलोमीटर पैदल चले और 21 दिन में अयोध्या पहुंचे। 26 दिसंबर को वहां से निकले हैं और चलते चलते हम लोग यहाँ 21 दिन लग गया जो है। परसों हम लोग शाम को पहुंचे हैं और कार सेवापुरम में हम लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग को यहाँ का वातावरण देख के एकदम इतना सुखद और जितना दर्द है हम लोग का सब गायब हो गया है। अयोध्या में एक अनूठा अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक है। इस बैंक में कॉपी पर चावल और सरसों के दानों पर राम नाम लिखकर जमा कराए जाते हैं और जो राम भक्त 5 लाख नाम लिखकर जमा कराता है उसका बाकायदा यहाँ अकाउंट खुलता है और उनको पासबुक भी दी जाती है। 1970 से शुरू हुए इस बैंक में करोड़ों राम नाम जमा हो चुके हैं। अयोध्या राम भक्तों की आस्था का कुंभ है और अब दुनिया भर के तमाम राम भक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उनके इष्ट अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे।